दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देवाशीष गिरी। आपके अपने चैनल डीजी ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर मिले आपसे एक नए वीडियो के साथ। ये देखिए, एक पोमेरियन का बच्चा है और 35 दिन का बच्चा है। तो आप इसको देखिए कि इसके नोज पे ना घाव हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आँख के पास भी पल्स आ रहा है और यहाँ पर भी पल्स आ रहा है। तो आज हम इसी का ही ट्रीटमेंट करेंगे। और ये मेरे दोस्त का बच्चा है और फीमेल है ये पोमेरियन। तो मैं उसी पे बताने जा रहा हूँ कि इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और कौन कौन सी दवाएं इसमें लगेंगी। दोस्तों, आप एक बीटाडीन आता है लोशन, आप वो ले लीजिए, क्योंकि दवा सबसे पहले ना इसको साफ करना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास बीटाडीन लोशन नहीं है तो आप डेटॉल का भी यूज कर सकते हैं। डेटॉल को नॉर्मल वार्म वाटर में साफ डालेंगे तो आप आगे बने रहिएगा। वीडियो में हम कैसे ट्रीट करते हैं आप देखिएगा। दोस्तों, ये रहा दवा जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। वेल्चर एम, ये आपको मार्केट में जहाँ पे पेट शॉप के पास से मिलेगा ये दवा, ये मिलेगा। ये आपको कितना प्राइस में है, ये आपको 190 का आएगा, ठीक है दोस्तों। और एक आप ये कॉटन ले लीजिएगा और एक ये गौज ले लीजिएगा। ये गौज जब हम लोग एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके में काम आता है, ठीक है। और आप इसको क्या करेगा, ये हम पानी ले लिए, ठीक है। तो आप पानी ले लिए, अब इसमें हम डिटॉल डालेंगे। अच्छा, डेटॉल दोस्तों, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे आप बीटाडीन लोशन भी ले सकते हैं। ये आपको बीटाडीन लोशन जो है आपको ये मिलेगा मेडिकल शॉप पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग की दवा मिलती है वहाँ पे। और जो ये वेल्चर एम है, वेटा चोलॉल, क्या नाम है यार, क्या नाम है भैया, सब पढ़ना तो इसे सही से, वीटा क्लोर एम। सॉरी दोस्तों, वेटा, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कमजोर है, ठीक है, तो इसीलिए माफ करिएगा। वीटा क्लोर एम है, ठीक है। तो अभी इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डिटॉल डालेंगे, क्योंकि एक तरह का ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो वो जहाँ पे उसका नोज है तो नोज पे बहुत सारा वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, जम्स होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उसमें पल्स भी होगा। ये दूसरे डॉग का पहली बार कर रहे हैं। वैसे तो मैं अपने बच्चों का खुद ही ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन आज पहली बार कर रहा हूँ। मेरा भाई है मनीष भाई, ये इसको भी मेरे डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव था। था नहीं है, इसी कारण बंदा लेके आ गया। बोले चलो ठीक है यार, जिंदगी में हर शौक पाल लेना चाहिए, है कि नहीं। भ्रम पालो, कुत्ता पालो, सब पालो। इसको इसमें पहले सॉफ्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या कि जो उसके वो देखो मालिक के पास चली गई है। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ये तो दूध पिएगी हाँ? नहीं, पूछ लो उनसे, दूध पिएगी। ये आ गया, इसको आप मैं ये थोड़ा सा डिप कर लीजिएगा, ठीक है। और डिप करने का इसका जो ये है इसको बहुत अच्छे से साफ करना है। दोस्तों, अभी ये अगर इसका इलाज नहीं करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और ये इसके आँख के पास ही पहुँच सकता है। तथा वम वाटर मंगा ना, इसको पहले डीप कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं करता है ना दोस्तों तो ये बहुत जाके आगे दिक्कत होगा इनको। दोस्तों, कम से कम 1K सब्सक्राइबर तो कर दो यार, आप लोग ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 1K सब्सक्राइबर तो आप लोग कर सकते हो, 1K सब्सक्राइबर और 1K व्यू। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों तो फिर आपको फायदा ये रहेगा कि आपको आपके जो डॉग है उससे रिलेटेड सभी बीमारियों का ना मेरे पास सोल्यूशन मिल जाएगा, लगभग सभी बीमारियों का। ये बहुत दर्द में है लग रहा है मुझे, ऐसा फील कर रहा हूँ मैं इसके दर्द को। दोस्तों, जब आपका आप जो डॉग लाते हो वो अगर बहुत अच्छा हेल्दी रहता है ना तो अच्छा लगता है,
लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ता है ना तो एक तरह का टेंशन आ जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर से आते हो और आपके आप बाहर से आते हो तो जो ये खेलना शुरू करते हैं आपके साथ, आइस के पास भी होगा वो, मैं वो कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डर रही है। ये अभी 35 डेज की ही है और 35 डेज में इसको, ये ऐसा इसलिए भी होता है कि ये जब लोग खाना खाते हैं ना तो इनका जो खाना होता है इनके मुंह पे लग जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत से जो ब्रीडर हैं वो खाना देते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे देना है। ठीक है, तो आप जब भी खाना दो तो एकदम हल्का सा गाढ़ा दो, जैसे कैसे दाल होता है आप शुरू में दाल की तरह देना, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है थोड़ा सा वीक होता है बचपन में, क्योंकि बचपन में वीक होने के कारण ये होता है कि इनको पता नहीं होता है कि क्या चीज़ सही होगा शरीर के लिए। और जो मेरे नए ब्रीडर हैं जो नए लाइन में आना चाहते हैं तो एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर आप डॉग को दूध दे रहे हो ना तो कभी भी डॉग को दूध दे रहे हो तो आप उसको वो दूध दो, क्या कहते हैं जो पॉकेट में आता है वो, कभी भी डायरेक्टली काव मिल्क नहीं दो। इससे होता क्या है कि काव मिल्क में एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लैक्टो करके होता है, वो मुझे नाम उतना याद नहीं आ रहा, लैक्टोबैसिलस शायद, हाँ ये वो वही बैक्टीरिया होता है ना जो इन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में कमज़ोर करता है। तो बहुत ऐसे लोग दोस्त हैं मेरे जो कहते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा डॉग बहुत अच्छे से खाता है और बहुत अच्छे से मोटा भी हो रहा है। भैया ये बात मोटा होने का नहीं है, ठीक है ना, बात मोटा होने का नहीं है, बात यहाँ पे इस चीज़ का है कि वो आगे जा के आपके डॉग को क्या करेगा। वो ये अगर आप देते हो तो आपके डॉग को जो बोन होता है ना, बोन के स्ट्रक्चर को वो ख़राब करेगा। बहुत सी डॉग में देखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दूध डायरेक्ट इफेक्ट करता है। देखिए इसको साफ कर दिया हूँ, लगभग साफ हो गया है, देखिए गौर से तो जूम करिएगा तो ये स्किन पे आप देख रहे हैं एकदम रेड कलर का, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको इस दवा का यूज कैसे वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ बेबी, क्या नाम रखा था इसका? जिमी नाम रखा है यार, फीमेल है तो फीमेल के नाम से नाम रखते हैं, फीमेल के हिसाब से तुम ही रख दो, सोना बाबू रख दो, ऐसे लोग बाबू बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, वही रहने दो, क्या दिक्कत है। दोस्तों आप कमेंट में इसका नाम बता सकते हैं, आप सबसे ज्यादा जो कमेंट में नाम आएगा वही नाम इसका रखा जाएगा। इसको थोड़ा सा टहलने दीजिए, अगर इसकी माँ अभी देखती ना दोस्तों तो पक्का मेरे शरीर में से ना हड्डी अलग कर देती, मांस अलग कर देती। आपको तो पता ही है कि पोमेरियन का टेम्पर क्या होता है, इंडियन स्पीड जो बहुत हल्ला करते हैं। ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, अच्छा ठीक, अरे तुमको ना हम दशहरा घुमाने ले चलेंगे, चलो तुम। दोस्तों देखिए साफ हो गया, ठीक है, अब क्या करना है ना इसको ना ये साफ सूखा कॉटन से आप इसको रब कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर इसके स्किन पे भी कहीं से जम्स होगा ना तो इसमें आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों इसका साफ हो गया है, देखिए गौर से जूम कर तो भाई दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, इसका साफ हो गया, ठीक है। अब हमको इसका यूज करना है, ठीक है, वीटा क्लोरैम नाम आता है दोस्तों, वो मजाक कर रहा था। तो अब क्या करें दोस्तों, ये जो खराब था
इसको छोड़ देंगे ठीक है, और एक छोटा सा कॉटन का फिर से पीस बनाएंगे। इधर देखिए, इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए, कहाँ देख रहे हो आप, इधर देखिए दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं लास्ट तक, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर पहली बार है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, इससे आपको नई लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहेगी। इसको मैंने कॉटन रख के फोल्ड कर लिया ठीक है। अब इस पे मैं वो दवा रखूंगा, अब इस दवा का क्या आता है, कैसे आता है वो हम देखें। इसमें आप डीप कर लीजिए ठीक है, ठीक है दोस्तों। मैं ये डीप कर लिया है और अभी ये फीमेल थक गई है बहुत ज्यादा। अब ये जहाँ पे है ना, जहाँ पे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो ठीक है, क्योंकि ये दवा इसको स्प्रे नहीं करना है। नहीं, इसको स्प्रे दोस्तों, ये अगर कहीं और बॉडी पार्ट पे है तो आप स्प्रे का यूज कर सकते हो ठीक है, लेकिन अगर माउथ के पास है तो आप ज्यादातर कॉटन का यूज करें। कॉटन का यूज करने से ज्यादा फायदा होगा आपको। ये लग रहा है इसको, तो ये मेरा भाई है, ये परेशान था, कल से बोला था कि इसका कोई इलाज बताओ, इलाज बताओ। तो मैं सोच रहा था कि लगे हाथ इलाज भी कर दे रहा हूँ और एक वीडियो भी बना दे रहा हूँ। दोस्तों मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ ठीक है ना, लेकिन हाँ इतना तो जानता हूँ दोस्तों कि आपके डॉग का भी केयर अच्छे से अपने डॉग की तरह कर सकता हूँ। लगी इधर, तो ये दोस्तों हो गया ठीक है। आप ये जो है ये आप दिन में दो बार लगाइएगा ठीक है, इससे होगा क्या कि यहाँ का जो स्किन पे कोई इन्फेक्शन या रेसेस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा डिटॉल से। और ऐसे आप इसको डीप करके अगर लगाते हैं तो फिर आपको ये दवा अच्छा फायदा करेगी ठीक है। और ये जो कॉटन है दोस्तों, ये कोशिश करिएगा कि आप इसके आँख में न जाए ठीक है। अगर आपके डॉग पे फेस पे हुआ है तो आप ऐसा करिए कि इसके आँख पे न जाए। दूध अभी हल्का देना होगा, दूध से ही होता है ठीक है दोस्तों। ये हो गया, तो मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।